वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंगल कलर निटिंग पैटर्न बनाना बता रही हूँ, जिसे आप किसी भी स्वेटर या कार्डिगन वगैरह में डाल सकती हैं। देखिए, पैटर्न बनाने के लिए ये मैंने 35 फंदे लिए हुए हैं। अब देखिए पैटर्न कैसे डाला जाएगा। पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और ये 2 फंदे एक साथ सिलाई पर लेकर 2 फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब धागा पीछे ले जाएंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये 3 फंदे एक साथ सिलाई पर ऐसे लेंगे आगे से और 3 फंदे का एक फंदा बुन लेना है। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब धागा आगे लाएंगे और ये फंदा खोलकर इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये 3 फंदे एक साथ सिलाई पर लेंगे और पीछे से 3 फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। अब 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और ये 2 फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। धागा आगे लाएंगे, अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये लास्ट वाला फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में पहले हम ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे और ये 2 फंदे एक साथ लेकर के 2 फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, अब ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3, 4, 5, 6। ये जो 3 फंदे का एक फंदा किया था, इस फंदे को बिना बुना उतार लेंगे। अब फिर से ये फंदे उल्टे बुनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये जो 3 फंदे का एक फंदा किया था, इसको बिना बुना उतार लेंगे। अब फिर से 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 4, 5, 6। धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे। अब ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 फंदे का एक उल्टा फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये फंदा बना बुन। अब ये हमारी सीधी सिलाई। पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, ये 2 फंदे एक साथ सिलाई पर लेकर पीछे से इनका एक फंदा बुन देंगे। अब धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, अब 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई पर लेंगे आगे से और इन 3 फंदों का एक फंदा बुन देंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये फंदा खोल करके ऐसे सीधा करेंगे और फिर से पीछे से लेकर के 3 फंदे एक 3 फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे,
धागा आगे लाएंगे, इन दोनों फंदों का एक फंदा बुन देंगे, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब उल्टी सिलाई, पहले तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे। अब ये दो फंदे एक साथ लेकर के दो फंदे का एक फंदा बुन देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे। ये जो तीन फंदे का एक फंदा किया था इसको बिना बुना उतार लेंगे। अब फिर से ये फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11, ये 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये फंदा बिना बुना उतार लेंगे जो तीन फंदे का एक फंदा किया था, इसके बाद हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे। अब ये दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब देखिए हमारी अगली सिलाई, सबसे पहले तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, अब दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमें ये तीन फंदे सिलाई पर लेने हैं, एक ये फंदा जो तीन फंदे का एक फंदा किया था और दो फंदे और आगे से इनका एक फंदा बुन देंगे। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और दो फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इस फंदे को खोलकर सीधा करेंगे और ये तीन फंदे पीछे से तीन फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, अब धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब धागा आगे लाएंगे और ये दो फंदे एक साथ सिलाई पर लेंगे और पीछे से इनका एक फंदा बुन लेंगे। अब धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट फंदा बिना बुना उतार लेंगे। अब हमारी अगली सिलाई, पहले तीन फंदे सीधे बुनेंगे, ये हमारी उल्टी सिलाई है। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे। अब ये दो फंदे एक साथ सिलाई पर लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, अब दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये तीन फंदा जो किया था, एक तीन फंदे का एक फंदा किया था, इसको बिना बुना उतार लेंगे, फिर ये फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, ये 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर ये जो फंदा है तीन फंदे का एक किया था, इसको बिना बुना उतारेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पर लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई, पहले तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, अब ये दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे, अब धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ये तीन फंदे एक साथ सिलाई पर लेकर तीन फंदे का एक फंदा बुन लेंगे।
अब एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा और सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, और ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, और अब तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये फंदा खोलकर ऐसे सीधा करेंगे और ये तीन फंदे एक साथ सिलाई पर लेकर पीछे से तीन फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, और ये दो फंदे एक साथ सिलाई पर लेकर पीछे से इनका एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर से धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट फंदा बुना बुना उतार लेंगे। अब ये हमारी उल्टी सिलाई, पहले तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, अब दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, ये फंदा बिना बुना उतारेंगे, फिर ये वाले सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। छः, ये 19 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये फंदा जो है, जो तीन फंदे का एक फंदा किया था, इसको बिना बुना उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सिलाई पर ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, अब इन दोनों फंदों का एक उल्टा फंदा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट फंदा बिना बुना उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब बस इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे और इसको आगे डालते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।